अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सिंपल सा वॉलनट केक जो हम चाय के साथ खा सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप वॉलनट जिसे मैंने कूट लिया है, आधी प्याली ऑयल, आधी प्याली आइसिंग शुगर, आधी प्याली मैदा, दो अदद अंडे, थोड़ा सा वनीला एसेंस और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर और मैदे को छान लेंगे। अब एक अलग बोल में दो अदद अंडे लेके बीटर की मदद से उसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब उसमें हम आइसिंग शुगर ऐड करके मज़ीद बीट करेंगे। अच्छी तरह से बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए। अब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है हाफ टी स्पून और ऑयल। अब इसको आप मज़ीद इतना बीट करें कि ये बिल्कुल फॉर्म की सूरत में आ जाए। अब जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा तो इसमें मैदे और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर डाल के इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हमने बीट नहीं करना। इसके बाद मैंने वॉलनट डाले हैं और इसको भी मिक्स किए। अब ये हमने स्पून की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड करके मिक्स करेंगे। अब एक पैन में ऑयलिंग करके थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और ये अपना बैटर डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद हल्का सा टैप करें ताकि सारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाए। अब एक बड़ा पतीला लीजिए जिसे मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। एक आयरन का स्टैंड रखें। आयरन स्टैंड नहीं है तो आप कोई सा भी एक स्टील का पतीला रख के उसके ऊपर रख दीजिए और आधे घंटे के लिए मंदी आंच पे पकाएं। अब छुरी डाल के चेक करें, आपकी छुरी क्लीन निकली है तो आपका केक तैयार है। इसको ठंडा होने के बाद आप प्लेट में डिश आउट कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।